अस्सलाम वालेकुम क्लास, योर नेक्स्ट चैप्टर इज सेल साइकिल। सो मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेल साइकिल चैप्टर कंटेन्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल इंटरफेज एंड डिविजन, माइटोसिस फेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, नेक्रोसिस अपोप्टोसिस एंड मियोसिस एंड फेजेस ऑफ मियोसिस। बेसिकली व्हाट डज हैपन इन सेल साइकिल, सेल साइकिल में होता क्या है? जो आपका एक सेल होता है, इंडिविजुअल सिंगल सेल जो होता है, जिस तरह से आपको ये नीचे एक साइकिल दिख रही है जिसमें लेबलिंग हुई हुई है जी नॉट, जी वन, एस, जी टू एंड एम, ये लेबलिंग हुई हुई है। तो जी वन फेज के अंदर क्या होता है, आपके ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस। इसके अंदर आपके डीएनए की जो है वो सिंथेसिस होती है और आपकी ग्रोथ हो रही होती है सेल की। फिर आप एस फेज पे आते हैं और एस फेज में आपके डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। फिर आप जी टू फेज में आते हैं, यहाँ पर आपका सेल ग्रो करता है और वो प्रिपेयर होता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए, कि अब वो माइटोसिस के फेज में जो है वो एंटर होगा। फिर आपका आता है एम फेज। इस एम फेज के अंदर आपके जो है वो चार फेसेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेस होता है पहला, फिर मेटाफेस होता है, फिर एनाफेस होता है और फिर टेलोफेस होता है। और ये पूरा आपका क्या कहलाता है, ये आपकी सेल साइकिल कहलाती है, जिसमें आपका एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, फर्स्ट आरिंग इज क्रोमोसोम्स। द टर्म क्रोमोसोम इज गिवन बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉल्टर फेल्मिंग इन 1882 when he was examining the rapidly dividing cell of Schlemendel larvae after treating with Perkin's anenine. He observed that chromosome's color is more darker than the rest of organelles. The term chromosome is misnomer because it means color body. Later it was found that chromosomes are colorless bodies. अच्छा जी, इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम है वो किसके ज़रिए, किन्होंने ये नाम दिया, इन्होंने जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1882 में जो है टर्म क्वाइन की थी जिसको इन्होंने क्रोमोसोम कहा था। इन्होंने जो है वो देखा था कि सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी, जो लावा था स्लेमेंडर का वो बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे थे सेल्स। इन्होंने ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करी थी जब ये ट्रीट कर रहे थे एनएनए के साथ, जो है वो इलाज कर रहे थे। He observed that chromosome color is much darker than the rest of the organelle. इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था कि जो क्रोमोसोम का कलर है वो दूसरे ऑर्गेनेल से ज़्यादा डार्क है। The term chromosome is misnomer. ये जो टर्म क्रोमोसोम थी ये misnomer थी because he it's been color body later it was found that chromosomes are colorless bodies. क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो जो क्रोमोसोम है वो क्या है, मज़ीद ज़्यादा डार्क है किसके, दूसरे ऑर्गेनेल्स के अगर हम कंपेयर करें तो इनको ऐसा दिखाता है कि क्रोमोसोम ज़्यादा डार्क है। पर इनको बाद में ये बात पता चली कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से कैसे होते हैं, दे आर कलरलेस बॉडी, ये जो है वो कलरलेस बॉडी है, इसलिए जो है इनको मिसनोमर कहा जाता है कि मतलब जो दिखा वो गलत दिखा, एक तरीके से मिस कॉन्सेप्ट जिस तरह कहते हैं उस तरह से मिसनोमर। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरह के होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह के आपका एक थ्रेड होता है उस तरह का इनका जो है वो बिल्कुल धागे का हल्का सा स्ट्रक्चर होता है। अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन इंक्लूड्स फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल इन यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में जो है इनका जो जो ये क्रोमोसोम होते हैं उनका एक क्रोमेटिन नेटवर्क लाइक बना हुआ होता है सेल के डिवाइड होने से पहले। दे कंटेन हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन। इनके अंदर हेरिडिटरी जीन्स होते हैं, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर हमारे जीन होते हैं जो कि हमारे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है एंड बेसिक प्रोटीन। और इसको हम ये जो मटेरियल है वो कौन सा है, प्रोटीन का है। हमारा पूरा क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है।
Stones appear during the cell division in the shape of rod. It has two part, arms and centromere. अब आपने देखा है कि ये आपको इतना बड़ा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसकी इसके अंदर क्या है, दो पार्ट्स हैं. इट हैज टू पार्ट, टू पार्ट्स आर्म, दो जगह पे हैं और बीच में कहाँ है, बीच में इनका सेंट्रोमेयर होता है. ठीक है, इनके बारे में कहा, अपीयर ड्यूरिंग दिस इन द शेप ऑफ रॉड. जो ये हिस्टोन है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है सेल डिविजन में. क्या पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है कि इट हेल्प इन रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन. ये जो है क्रोमोसोम की कॉपी बनाने में और उसको अलग करने में, जो ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस, तो इसके अंदर जो है ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है. जब हम आगे इसकी एक एक पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये क्रोमोसोम जो हैं वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, इनकी कॉपीज बन रही हैं, एक से दो हो रहे हैं, और कैसे ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं.